वीरों की भूमि, राजस्थान, रणवाकुरों की भूमि राजस्थान, देवों की भूमि राजस्थान, देश को कोटिक आक्रांताओं के बावजूद स्वाभिमानी रखने वाला राजस्थान, ऐसी राजस्थान की भूमि टोंक से मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया गया है। इसके लिए जन सरोकार मंच के संचालक आदरणीय देवेंद्र जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने मुझे इस मंच से संपर्क करवाया। सुधीजनों का भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी कलम छोटी है, नवांकुरों को, नए रचनाकारों को मंच देने का, उन्हें उनका हेजिटेशन दूर करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, आदरणीय देवेंद्र जी ने, उनका आप सभी सहयोग करें, आप सभी मदद करें। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। कहते हैं, ये राजस्थान की धरती है, हम बिहार के धरती से हैं, तो राजस्थान की मिट्टी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले अपनी बात बिहार का हूं, तो बिहार की मिट्टी से शुरुआत करूंगा। और सुनिए चंद पंक्तियां बिहार के नाम। बिहार का कवि हूं, बिहार लिखता हूं, बिहार बिछाता हूं, बिहार रहता हूं, बिहार पढ़ता हूं, इसलिए चार पंक्ति बिहार के नाम। नमन करता जिसे अम्बल मलय हिम घोल देता है, नमन करता जिसे अम्बल मलय हिम घोल देता है, नमन करता जिसे अम्बल मलय हिम घोल देता है, बड़ी उर्वर है धरती रतनयन मोल देता है, नमन करता जिसे अम्बल मलय हिम घोल देता है, बड़ी उर्वर है धरती रतनयन मोल देता है, बड़ी उर्वर है धरती रतनयन मोल देता है, विपत्ति आए वसुधा पर अगर बन कर सिकंदर सा, विपत्ति आए वसुधा पर अगर बन कर सिकंदर सा, गुरु तन कर खड़ा होता सिखाए खोल देता है, गुरु तन कर खड़ा होता सिखाए खोल देता है। हम सभी जानते हैं बिहार की धरती, मगध की धरती, विविध कालखंडों में भारत की अस्मिता के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए, मगध के गौरव के लिए किससे किससे लड़ा है, ये आप सभी जानते हैं। हमने उन्हीं में से एक पात्र का जिक्र किया, आदरणीय चंद्रगुप्त को मैं नमन करता हूं, जिसका आभारी पूरा हिंदुस्तान है, और मैंने अपनी पंक्तियां से उन्हें याद किया। नमन करता जिसे अम्बल मलय हिम घोल देता है, बड़ी उर्वर है धरती रतनयन मोल देता है, बड़ी उर्वर है धरती रतनयन मोल देता है, विपत्ति आए वसुधा पर अगर बन कर सिकंदर सा, विपत्ति आए वसुधा पर अगर बन कर सिकंदर सा, गुरु तन कर खड़ा होता सिखाए खोल देता है, गुरु तन कर खड़ा होता सिखाए खोल देता है। और यह बिहार, बिहार सिर्फ वीरों की ही धरती नहीं है, बिहार हर मायने में अनूठा है, बिहार हर मायने में अजूबा है, शक्तिशाली है, वैभवशाली है। चंद पंक्तियां, कल वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे पर बाकी लोगों के आदर्श कौन कौन है, बिहार इस पर क्या कहता है, बिहार की मिट्टी वैलेंटाइन को लेके क्या कहती है, वैलेंटाइन कब आया कब गया हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उस पर एक पंक्ति है, आप सुनेंगे। लिखूं जो ओज का वैभव हर मुश्किल खिलौना है, लिखूं जो ओज का वैभव हर मुश्किल खिलौना है, लिखूं जो प्रेम दशरथ का
महल मुमताज बना है, लिखूं जो प्रेम दशरथ का, महल मुमताज बना है। बिहार के दशरथ मांझी का जिक्र पूरी दुनिया में होता है। प्रेम में बह जाना, प्रेम के लिए समर्पित हो जाना, प्रेम को अपमानित करने वाले को जड़ मूल नाश कर देना। अगर कोई सीखना है तो बाबा दशरथ मांझी से सीखे। लिखूं जो ओज की कविता, हर बे मुश्किल खिलौना है, लिखूं जो प्रेम दशरथ का, महल मुमताज बौना है। लिखूं जो प्रेम दशरथ का, महल मुमताज बौना है। मेरी कविता अमर होगी ये जानता हूं मैं, मेरी कविता अमर होगी ये जानता हूं मैं। जहां गंगा वही पूरा, बाकी आधा पौना है। जहां गंगा वही पूरा, बाकी आधा पौना है। जहां गंगा वही पूरा, बाकी आधा पौना है। बाकी आधा पौना है। आप सभी का अभिनंदन करते हुए हम अपनी कविता को आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ मुक्तकों के साथ, कुछ गीत के साथ। ये जिस पटल पर मैं आज आया हूं, मैं उसे कल परसों विगत कई दिनों से पढ़ रहा था। मैं मजाक की भी कविता लिखता हूँ, हास्य की कविता लिखता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, बहुत गंभीर चिंतन के साथ उन्होंने पटल शुरू किया है। उनका एक बार फिर मैं आभारी हूँ, और इस काम के लिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए आभारी हैं हम, इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने एक दुरू कार्य लिया है, लेकिन इतिहास का कालजयी शुरुआत उन्होंने किया है। तो इसलिए मैं आज उनके इस पटल की मर्यादा को बनाने की कोशिश करूंगा, रखने की कोशिश करूंगा। कहाँ तक खरा उतर पाता हूँ ये मैं देखूंगा। हम रचनाकार हैं, हम उस भारत के रचनाकार हैं जिस भारत को कालांतर में सोने की चिड़िया, परम वैभवशाली, दुनिया को जीतने वाला, दुनिया को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जीतने वाला, दुनिया पर तलवारों के दम पर राज नहीं करने वाला, दुनिया पर अपनी व्यवस्था का, अपनी पांडित्य का, अपने विचारों का, अपने वैज्ञानिकता का, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बदौलत जिस भारत ने संपूर्ण विश्व पर राज किया, उसी भारत की बात को मैं आज कहने जा रहा हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। माँ शारदे से मैं क्या मांगता हूँ, आप सभी रचनाकारों के लिए भी यही मांगता हूँ, मेरा समर्थन करें। हे शुभ्रा श्री फलदाई माँ, हे शुभ्रा श्री फलदाई माँ, दो कृपा तेरा वरदान बनूं। हे शुभ्रा श्री फलदाई माँ, दो कृपा तेरा वरदान बनूं। हे शुभ्रा श्री फलदाई माँ, दो कृपा तेरा वरदान बनूं। हे शुभ्रा श्री फलदाई माँ, दो कृपा तेरा वरदान बनूं। ना ताज तिजोरी की चाहत, बस शब्दों का धनवान बनूं। ना ताज तिजोरी की चाहत, बस शब्दों का धनवान बनो। गंगा की धारा विरल हो, एक रचनाकार गंगा को नहीं भूल सकता। गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारा वैभव है, गंगा है तो हम हैं। तो गंगा की धारा अविरल हो, सूफी सा मैं पैगाम बनू। गंगा की धारा अविरल है, अभी देख रहे हैं देश का वर्तमान परिदृश्य क्या है, कैसे कैसे विष बेल बोए जा रहे हैं, कैसे कैसे प्रोपगेंडा फैलता है और भारत में स्वर्णिम नदियां बहती है। ऐसे में एक कवि क्या कामना करता है, गंगा की धारा अविरल हो, सूफी सा पैगाम बनूं। गंगा की धारा अविरल हो, सूफी सा मैं पैगाम बनूं। जनहित में स्यों न्योछावर हो, जनहित में स्यों न्योछावर हो, रघुकुल मनि मैं श्री राम बनूं। जनहित में सब न्योछावर हो,
रघुकुल मनी श्री राम बनू, गंगा की धारा विरहो सूफी सा मैं पैगाम बनू, जनहित में सब न्योछावर हो रघुकुल मनी मैं श्री राम बनू, जीत नहीं भूमंडल पर नारतिम संग्राम बनू, जीत नहीं हम भारत के लोग हैं, भारत पर तलवारों के दम पर, भारत किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता, कहीं तलवारों के दम पर राज नहीं करना चाहता, भारत क्या चाहता है मैं दो पंक्ति से उसे रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जीत नहीं भूमंडल पर नारतिम संग्राम बनू, जीत नहीं भूमंडल पर नारतिम संग्राम बनू, पर दुष्टों का नाश करूं ऐसा मैं सम्मान बनूं, पर दुष्टों का नाश करूं ऐसा सम्मान बनूं। पंक्तियां जीत नहीं भूमंडल पर नारतिम संग्राम बनूं, पर दुष्टों का नाश करूं मैं ऐसा हिंदुस्तान बनूं, पर दुष्टों का नाश करूं ऐसा हिंदुस्तान बनूं, पर दुष्टों का नाश करूं ऐसा हिंदुस्तान बनूं। आवाज जा रही है नहीं जा रही है? मैं चूंकि मैं बहुत कम लाइव कविता पाठ किया हूं, इसलिए मैं खुद भ्रम में पड़ता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, बातें जा रही है नहीं जा रही है, इसलिए थोड़ी बाधा आती है। खैर मैं पढ़ते जा रहा हूं, बाकी लाइव पर क्या दिख रहा है ये तो बाद में पता चलेगा मुझे। अभी मैं चर्चा कर रहा था, अभी एक दिन पहले दिल्ली में एक बीभत्स घटना हुई, उस पर घटनाएं हुई है, राजनीति भी होगी, और घटनाएं क्यों हुई इस पर भी राजनीति हो रही है, और इसके बेल कब बोए गए, इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, ये सब होते रहता है। हत्याओं को यहाँ हत्या की नजर से नहीं देखा जाता, विविध जो घटनाएं होती है उसको दूसरा लल्लोवाब दे दिया जाता है, तो उस पर एक कवि क्या कह सकता है वो आप देखेंगे। किसने बोई जहर लताएं, नहीं बाग ऐसी तो ना थी। दिल्ली दिलवालों का शहर रहा है, दिल्ली में रक्तपात, दिल्ली में दंगा, दिल्ली में फसाद, दिल्ली में कलह, ये बातें पचती नहीं एक रचनाकार को। किसने बोई लहर लताएं, किसने बोई जहर लताएं, नहीं बाग ऐसी तो ना थी। किसने बोई जहर लताएं, नहीं बाग ऐसी तो ना थी, बोले राम और सर कट जाए दिल्ली तुम ऐसी तो ना थी, बोले राम सर कट जाए दिल्ली तुम ऐसी तो ना थी। दिल्ली श्री राम का शहर रहा है, दिल्ली में जहां बापू राम राम करते स्वर्ग सिधारे, उस दिल्ली में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो मन विह्वल हो जाता है, मन दुखी होता है। किसने बोई जहर लताएं, नहीं बाग ऐसी तो ना थी, बोले राम सर कट जाए दिल्ली तुम ऐसी तो ना थी, कल कल करती हुई तरंगे गीत राग ऐसी तो ना थी। जमुना की तरंगे जब बहती है तो भगवान कृष्ण खुद मदमाते हो जाते हैं, भगवान कृष्ण को याद करके मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं। कल कल करती हुई तरंगे गीत राग ऐसी तो ना थी, बस मैं बचू सब जल जाए नहीं आग ऐसी तो ना थी, बस मैं बचू सब जल जाए नहीं आग ऐसी तो ना थी। इसके बाद देश में जो हम सब कवि हैं, हम रचनाकार हैं, देश में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, उस पर हमारी नजरें होती है, हम बात करते हैं। भारत में आज एक सबसे बड़ा विषय किसान आंदोलन का है, मैं भी किसान का पुत्र हूं, किसानी में पला हूं,
किसानों के लिए दर्द है, किसानों के लिए जज्बात है। किसान दुख में होता है, मैं दुखी होता हूं, और मैं क्या, पूरा भारत, भारत की कविता किसानों से पल्लवित है, किसानों से बढ़ी है। किसानों को गाकर ही निराला महाप्राण हुए, किसानों को गाकर ही दिनकर राष्ट्र कवि हुए। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अगर देश में विभाजनकारी तत्व आ जाएं, तो गुस्सा भी कवि को आता है। मैं आंदोलन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आंदोलन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने पूरे देश को गुस्से में कर दिया। सच कहता हूं, जिस तरह किसान सड़कों पर हैं, अगर कुछ घटनाएं वैसी नहीं होती तो आज पूरा भारत का किसान राजपथ पर होता। लेकिन कहते हैं कि हर घटनाओं में हम, चूंकि देवेंद्र जी ने इस कविता पाठ का नाम दिया है कवि पाठ, कविता पाठ और संवाद, तो बीच बीच में कुछ संवाद करेंगे। हम लोग बड़े जानकार तो नहीं है, शब्द धर्मिता में जीते हैं, शब्दों से खेलते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इसी नाते चर्चा करेंगे। कुछ छंद से मैं आप सभी को जोड़ूंगा कि अभी वर्तमान में क्या हालात है। आज किसान कृषकों की रैली है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वहां किसान होना चाहिए, किसान ही होना चाहिए, किसान हूं नहीं, किसान ही होना चाहिए। ऐसे जगह में किसी भी अराजकतावादी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बीच में जो कुछ घटनाएं हुई उस पर मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करता हूं। अभी समाज में कुछ ऐसा ऐसा चीज दिखता है जिसमें नाम तो होता है लेकिन उसकी उपस्थिति नहीं होती है। कुछ ऐसा तत्व है, कुछ ऐसा सामान है जो नाम से दिखता है लेकिन उसमें होता नहीं, तो उस पर मैं रचनाएं समर्पित कर रहा हूं। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। चेहरा चमक रहा आग भी धधक रहा। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। चेहरा चमक रहा आग भी धधक रहा। किसको की रैली में नाम न किसान का, कृषकों की रैली में काम शैतान का। कृषकों की रैली में काम शैतान का। कृषकों की रैली थी लेकिन वहां पर लीड शैतान कर गए, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। चेहरा चमक रहा आग भी धधक रहा। कृषकों की रैली में काम शैतान का। हम किसान हैं, किसान सब कुछ सह सकता है लेकिन देश से गद्दारी नहीं सकता। किसान भूखे मर सकता है लेकिन जब जरूरत आएगी तो किसान देश के लिए सीना अड़ा देगा। वो कीचड़ में जाता है तो देश अन्न खाता है, वह मिट्टी में उतरता है तो देश जिंदा है। भारत का तिरंगा किसानों के खलिहानों से निकलता है, भारत का तिरंगा खेत के मेड़ों से निकलता है, और वह किसान देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जो जिसने तिरंगा को उतारा है वो सब कुछ हो सकता है लेकिन किसान नहीं। हम हमारी रचना सुनेंगे। घास बिना घास लेट, चीज बिना चॉकलेट, मिलता नहीं कभी आमलेट आम का। चेहरा चमक रहा आग भी धधक रहा। कृषकों की रैली में काम शैतान का। अरे हो जाए कुछ भी मातम तब भी सह नहीं सकते नारा पाकिस्तान का। हो जाए कुछ भी मातम तब भी सह नहीं सकते नारा पाकिस्तान का। अब वोट बैंक बार दो गोलियां उतार दो। वोट बैंक बार दो गोलियां उतार दो। जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का, जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का, जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का, जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का। गुस्से की पंक्तियां है, अगली चार पंक्तियां और अधिक गुस्से में है। जब देश पर
विपत्ति आती है तो किसान सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन अगर उनके नाम पर गलतियां हो तो गलत है, लेकिन अगर किसानों की मांग जायज है तो उन पर बात होनी चाहिए। सरकार ये कह के नहीं टाल सकती कि हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसान इस देश के हैं, किसान अफगानिस्तान से आके आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने गलत किया गलत किया, लेकिन उनसे बात क्यों नहीं हो रही? तो इस पर हमारी पंक्तियां हैं। कौन कौन थे लोग? चार पंक्ति गुस्से की, उसके बाद सरकार पर को कुछ कहेंगे। वोट बैंक को बार दो, गोलियां उतार दो, जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का। वोट बैंक को बार दो, गोलियां उतार दो, जिसने उतारा है तिरंगा हिंदुस्तान का। सरकार क्या कर रही है? सरकार को हमने क्या जिम्मेवारी दी है? चंद पंक्तियां समर्पित हैं। करो कानून को वापस या लठ योग मलवाओ। आंदोलन को कैसे समाप्त करना है आप करवाओ, लेकिन जिनकी सड़कें रुकी है वो रुके नहीं रहेंगे। करो कानून को वापस या लठ योग मलवाओ, जैसे हो सके वैसे सड़क खाली करवाओ। करो कानून को वापस या लठ योग मलवाओ, जैसे हो सके वैसे सड़क से रोक खुलवाओ। चौकीदार बनकर तुमने हमसे ली है रखवारी, चौकीदार बनकर तुमने हमसे ली है रखवारी। तिरंगा आंच न आए चाहे तोप चलवाओ, तिरंगा आंच न आए चाहे तोप चलवाओ। हमने सरकार को स्वतंत्रता दी है कि अगर आप गलत हो तो कानून वापस लो, अगर आप गलत नहीं हो तो फिर जैसे हो सके इस आंदोलन को समाप्त कराओ। हमने अपने जिम्मेवारी ली है। कई लोग इस आंदोलन को धर्म से जोड़ रहे हैं। जब लाल किला पर इंसिडेंट हुआ तो लोगों ने इसे एक संप्रदाय से जोड़ दिया, वह संप्रदाय जिसने भारत के लिए असंख्य बलिदान दिए हैं। उससे सर्वश्रेष्ठ बलिदान हो ही नहीं सकता इस देश में, जिसने अपने दो जिगर के टुकड़े को देश के खातिर दीवार में चुनवा दिया हो। उसकी राष्ट्रभक्ति पर हम सवाल कैसे कर सकते हैं? और उनके नाम पर जो लोग आए और देश के साथ गद्दारी किया, ऐसे लोग उनके वंशज नहीं हो सकते। किसी के वंशज हो सकते हैं, उनके नहीं हो सकते हैं। करो कानून को वापस या लठ योग मलवाओ, जैसे हो सके वैसे सड़क से रोक खुलवाओ। जैसे हो सके वैसे सड़क से रोक खुलवाओ। चौकीदार बनकर तुमने हमसे ली है रखवारी, चौकीदार बनकर तुमने हमसे ली है रखवारी। तिरंगे आंच ना आए चाहे तोप चलवाओ, तिरंगा आंच ना आए चाहे तोप चलवाओ। नहीं गुरुओं की धारा है नहीं वो पंच प्यारा है, जिसने तिरंगे पर हिमाकत की मैं उसे चुनौती देता हूं। नहीं गुरुओं की धारा है नहीं वो पंच प्यारा है, वतन का जो बना दुश्मन लफंगा है आवारा है। वतन का जो बना दुश्मन लफंगा है आवारा है। कलंकित कर दिया जिसने गुरु तेग के तप को। गुरु तेग बहादुर बिहार की मिट्टी में जन्मे गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करते हुए मैं पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। नहीं गुरुओं की धारा है नहीं वो पंच प्यारा है, वतन का जो बना दुश्मन लफंगा है आवारा है। कलंकित कर दिया जिसने गुरु तेग के तप को, हाथ काट लाओ या कुत्ते को खिलवाओ। हाथ काट लाओ या कुत्ते को खिलवाओ।
हाथ काट लाओ या कुत्ते को खिलवाओ, ये किसान आंदोलन पर हमारी पंक्तियां थी। अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो तारीफ मैं बाद में देखूंगा आप सबने क्या कहा है। गलती भी हुई है तो मैं छोटी कलम हूं, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा। कितना समय हो रहा है? अभी समय है आधा घंटे का, हमें समय दिया गया था। मैं आभारी हूं इतना समय आप सभी ने हमें सुना, क्योंकि साहित्य में कई रस हैं। आमतौर पर लोग ज्यादा बोझिल नहीं हो इसलिए हास्य रस जरूरी होता है। तो बहुत देर से आप बोझिल ना हो जाएं इसलिए अंत में मैं खुशी खुशी आपको विदा करूंगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसलिए व्यंग की कुछ पंक्तियां। कल 14 फरवरी है, प्रेमी प्रेमिका इस दिन का इंतजार करते हैं, कतिपय सब नहीं, योगी जी की पुलिस भी इंतजार करती है इसी दिन की, एंटी रोमियो स्क्वाड बजरंग दल के लोग भी इंतजार करते हैं। तो इस फरवरी पर 4 पंक्तियां हैं, सुनेंगे। इस बार की फरवरी थोड़ी खास है। फरवरी को मोहब्बत का महीना कहा जाता है, प्यार का महीना कहा जाता है। हिंदी और पंचांग के अनुसार वसंत का प्रवेश हो जाता है, ये बड़ा प्यारा महीना है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पंक्तियां याद तो नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम की प्रीत की है पहल फरवरी, प्रेम की प्रीत की है पहल फरवरी, बसंती हवा की गजल फरवरी, प्रेम की प्रीत की है पहल फरवरी, बसंती हवा की गजल फरवरी। लॉकडाउन की खेती जो अप्रैल में हम लोगों ने, इस पिछले अप्रैल को लॉकडाउन में काटा है इसलिए इस फरवरी ये खास है। उसके बाद से कई कई महीना होता है, अब जोड़ लेंगे। तो प्रेम की प्रीत की है पहल फरवरी, बसंती हवा की गजल फरवरी, लॉकडाउन की खेती जो अप्रैल में, लॉकडाउन की खेती जो अप्रैल में, अब कटेगी धड़ाधड़ फसल फरवरी, अब कटेगी धड़ाधड़ फसल फरवरी, अब कटेगी धड़ाधड़ फसल फरवरी। ये हमारा एक विषय था, मजाक में आपको मैं विदा करूं। और छंद में ही 4 पंक्तियां, ये नया साल शुरू हुआ है, नया साल में हमारी जो चिंताएं हैं, एक राष्ट्रीय चिंता भी है देश के सामने, राहुल गांधी जी की शादी नहीं हो रही है, तो आंदोलनकारी हैं, युवा हैं, जज्बाती हैं। बस इस छंद के बाद इस कविता पाठ को समाप्त करूंगा। बोले राहुल हद है झूठ की भी कद है, अब सरकार से सवाल होना चाहिए। बोले राहुल हद है झूठ की भी कद है, अब सरकार से सवाल होना चाहिए। 6 साल गिन गिन नहीं आए अच्छे दिन, शादी हर हाल इस साल होना चाहिए। 6 साल गिन गिन नहीं आए अच्छे दिन, शादी हर हाल इस साल होना चाहिए। बोले मोदी रुक जाओ बाबू नहीं घबराओ, मन की बात ना बवाल होना चाहिए। राहुल जी सवाल करते हैं, बवाल करते हैं, मोदी उनके गार्जियन हैं, वे उन्हें बताते हैं। बोले राहुल हद है झूठ की भी कद है, अब सरकार से सवाल होना चाहिए।
6 साल गिन गिन नहीं आए अच्छे दिन, शादी हर हाल इस साल होना चाहिए। बोले मोदी रुक जाओ बाबू ना घबराओ, मन की बात ना बवाल होना चाहिए। और थोड़ी सी सबर नहीं शादी की उम्र नहीं, थोड़ी सी सबर नहीं शादी की उम्र नहीं, शादी के लिए 56 साल होना चाहिए। शादी शादी की उम्र 56 साल होना चाहिए। ये हमारा मुक्तक था, मुक्तक थोड़ा लंबा है लेकिन मैं समय का पक्का हूं, आधे घंटे का समय था। आप सभी का बहुत बहुत आभार।